नमस्कार दोस्तों, अभी आज शनिवार है, शाम है। ये वीडियो आप लोग को कल मिलेगा, सुबह को हम पोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, मेरा यहाँ पे ये जो है हिबिस्कस है, इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, और इसका कलर देखिए जरा सा लाइट है। देखिए ये दोनों में अंतर है थोड़ा सा, देखिए थोड़ा लाइट और ये लाइट है। देखिए हल्का पिंक है, ये ज़्यादा पिंक है। यहाँ दो कलर का हिबिस्कस है एक ही, और यहाँ जो है जितना आप देख रहे हैं ना फ्रेंड, यहाँ पे जितना देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो है 9 कलर का हिबिस्कस है, लेकिन सब तो साथ में नहीं खिलता है फ्रेंड। सब एक दो है हाइब्रिड है और देसी है फ्रेंड। ये दोनों देसी है, इसके में कलर है, एक पिंक कलर है, एक रेड कलर है गुच्छे वाला, एक बैगनी कलर का है, एक वाइट है, और एक जैसे चंदन कलर है, और एक ठो थोड़ा कोई हल्का पिंक है। वो ये पिंक नहीं है, वो दूसरा रानी कलर में ही थोड़ा लाइट होता है वो है, और हाइब्रिड का रेड कलर का भी है, और गुच्छे वाला जो होता है वो भी है। तो सारे को हम इसी जगह रखे, और दो कलर दूसरा जगह है फ्रेंड। 11 से 12 कलर है मेरे पास, लेकिन जो गमले में है सारे यहाँ हैं, और दो गमले में सामने तरफ है, और बड़ा बड़ा पौधा जो है फ्रेंड वो जमीन में है। और ये भी है, ये देखिए ये भी मिर्ची वाला है, इसमें अभी कुढ़ी आ रहा है। और यहाँ है ये देखिए क्रोसोंडा, इसका देखिए बीज इस तरह होता है, ये देखिए गेहूं के तरह, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे है। धूप बहुत था इसलिए सब झुंड में रखे थे सारे, और एक ही आज धूप कम था फूल बोल करके फ्रेंड फूल मुरझाया नहीं, नहीं तो मुरझा जाता है। ये वाइट है, और वहाँ बैगनी कलर का जो है ना वायलेट कलर का वो नहीं हुआ है। और कुछ दिखाते हैं फिर, चलिए ये देखिए दोस्तों, इसमें कितना सारे अपराजिता खिले हैं फ्रेंड, सारे में कितना अच्छा अपराजिता खिले हैं। कल तो और ज्यादा खिला था फ्रेंड। ये जो है ना इसको सीधा रखे थे, ये तो इधर लटक गया है, इसको थोड़ा सा कुछ हेल्प देना है तभी वो अच्छा से चलते रहेगा, नहीं तो फ्रेंड ये झूल गया है, इसको थोड़ा केयर नहीं हो रहा है। कितना अच्छा खिलते हैं, कलर कितना सुंदर लगता है फ्रेंड। इसको जमीन में लगा हुआ है, ये पिछले साल का पौधा है, तो काटिंग करके रखे थे तो इसी में से इतना अच्छा से हुआ है फ्रेंड। ये तो लगातार फूल खिल ही रहा है। और यहाँ है फ्रेंड मेरा हिबिस्कस, यहाँ 9 टाइप का है, 9 टाइप का यहाँ हिबिस्कस है, तो सब में तो फूल खिल के ख़त्म हो चुका फ्रेंड, अब इसी बीसी में हो रहा है। और इसमें भी दो कलर का है देखिए फ्रेंड, ये देखिए ये थोड़ा सा लाइट पिंक है, उससे थोड़ा सा ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा डीप है, देखिए दोनों में कितना अंतर है। और यह सब फूल खिल चुका है फ्रेंड, देखिए ये देखिए कल खिला था, और यह भी कल खिला था, ये देखिए ये भी कल खिला था, ये भी कल था, और दोनों में कितना अच्छा लग रहा है देखिए फ्रेंड, दोनों का अंतर आपको पता चल रहा है देखिए फ्रेंड। ओहो दिखाते हैं, देखिए ये, अरे देखिए ये दोनों में अंतर है फ्रेंड, देखिए देखिए दो पौधा है, दो अलग अलग दोनों पॉट है। यहाँ तो कितना अच्छा व्हाइट, बहुत सुंदर फूल खिलता है, देखिए पिंक कितना अच्छा,
यहाँ पे जंगल हो गया है, इसका टाइम होगा तो सफाई होगा, लेकिन फूल खिल रहा है। गर्मी जब ज़्यादा था ना फ्रेंड, एकदम ज़्यादा छोटा हो जा रहा था, देखिए सूख के कितना छोटा हो जाता है। और यहाँ बहुत सारे ये देखिए गुलाब खिले हुए हैं, तो ढेर सारे उधर भी खिले हैं, बस यहाँ का ही आपको हम दिखा रहे हैं। ज़्यादा धूप होता है तो एकदम जल जाता है फ्रेंड। और यहाँ पर भी देखिए ये सब तो जंगल है, यहाँ पर पूरा भरा इसी का ही जंगल है। जितना भी मैक्सिकम पिटूनिया है ना फ्रेंड, सारा यहाँ भरा हुआ है, उसी का ही जंगल है। और इधर देखिए, इधर नहीं है, इस साइड में है। देखिए फ्रेंड कितना इस पे मतलब पौधा में कितना सारे बहुत अच्छा से मतलब नक चंपक खिले हुए हैं, दिखाई दे रहा फ्रेंड आप लोग को। और फ्रेंड मेरा वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा आप लोग को तो लाइक शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और कमेंट कर दीजिएगा। और मेरा फोर भी अमीनी देखिए कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। यहाँ बहुत सारे हैं फ्रेंड, यहाँ बहुत सारे हैं। बाय।